आज हम देखेंगे नेटिव iOS डेवलपमेंट का इंट्रोडक्शन कि iOS एप्लीकेशन डेवलपमेंट में क्या क्या कंपोनेंट्स है, क्या क्या सेक्शंस है और क्या क्या उसका एरिया ऑफ कवरेज है। एरिया ऑफ कवरेज मीन्स कौन कौन से एरिया को कवर करता है फ्रॉम स्क्रैच टू डेवलपमेंट ऑफ द ऐप स्टोर। कुछ पॉइंट्स ब्रीफली हम लोग डिस्कस करेंगे थियोरेटिकली ताकि एक बेसिक आइडिया हो जाए कि नेटिव iOS एप्लीकेशन डेवलपमेंट में क्या क्या फीचर्स होते हैं। ओके, नेटिव iOS एप्लीकेशन का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जानने से पहले हम लोग कुछ चीज़ें तो हम लोग ध्यान रखते हैं कि जैसे प्रीवियसली हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि दो मेजरली लैंग्वेजेस सपोर्टेड है, दैट इज स्विफ्ट और ऑब्जेक्टिव सी। ओके, क्योंकि एप्पल का ये कहना है कि जब एप्पल का iOS प्लेटफॉर्म डेवलप हो रहा था तो शुरू से ही उन्होंने ऑब्जेक्टिव सी को साथ में लेकर चले और बहुत सारे एप्लीकेशन बहुत सारे लाइब्रेरीज उस ऑब्जेक्टिव सी को लेकर ही बनाया गया है। लेकिन धीरे धीरे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप होता गया और माइंडसेट चेंज होता गया तो एक इजी टू यूज लैंग्वेज उन्होंने इंट्रोड्यूस किया प्रोग्रामिंग डेवलपमेंट सर्कल में, दैट इज कॉल्ड स्विफ्ट। स्विफ्ट बेसिकली इंट्रोडक्शन हुआ था 2014 में। इनिशियली थोड़ा सा उसका स्ट्रक्चर में उसका एक होता है, कोई एक नया चीज़ इंट्रोड्यूस होने से वो जब होता है तो कुछ फ्लॉज रहता है, कुछ एरिया रहता है जहाँ पर इम्प्रूवमेंट का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। धीरे 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 करके अब उस एरिया को उन्होंने बहुत सारा स्ट्रीमलाइन कर चुके हैं। तो बेसिकली टू लैंग्वेज सपोर्ट करता है, एक है स्विफ्ट और एक ऑब्जेक्टिव सी। स्विफ्ट में डिजाइन टू इजी टू यूज सॉरी स्विफ्ट इज डिजाइन टू इजी टू use or read and write and it provides powerful features like optional types and generics and closures। ये सब हम लोग जैसे उसका सिलेबस कवर करेंगे स्विफ्ट का, हम लोग ये सब ऑप्शनल टाइप्स क्या है, जेनरिक्स क्या है और क्लोजर्स का, ये सब हम स्टेप बाय स्टेप विथ कोडिंग हम लोग उसको कवर करेंगे। अनदर लैंग्वेज ये कवर करता है ऑब्जेक्टिव सी। ऑब्जेक्टिव सी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है स्विफ्ट से क्योंकि इसके अंदर आपका इंटरफेस आता है, इसका क्लास क्रिएशन होता है, ऑब्जेक्ट क्रिएशन होता है, बहुत सारे उसका थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स मीन्स अगर आपका तो एक बेसिक सी सी प्लस प्लस लैंग्वेज अगर आपका आइडिया है तो आप इसको इजीली कैप्चर कर सकते हैं। अगर थोड़ा सा भी आइडिया नहीं है, अगर आप डायरेक्ट प्रोग्रामिंग करना चाहेंगे तो इसके ऑब्जेक्टिव सी को आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। बिफोर स्विफ्ट ऑब्जेक्टिव सी वॉज द मेन लैंग्वेज ऑफ iOS डेवलपमेंट, व्हाइल इट्स लेस कॉमन फॉर न्यू प्रोजेक्ट्स मेनी लेगेसी एप्स एंड सम फ्रेमवर्क्स आर स्टिल रिटन इन ऑब्जेक्टिव सी। जैसे मैंने बोला था जैसे इनिशियली ऑब्जेक्टिव सी लार्जली यूज हो रहा था। इनिशियल ऑब्जेक्टिव सी लार्जली यूज हो रहा था लेकिन जैसे जैसे मैं बोला ना टेक्नोलॉजी डेवलप होता गया और माइंडसेट जैसे चेंज होता गया क्योंकि ऑब्जेक्टिव सी में कुछ चीज़ें हैं जो इजीली वो प्रोग्रामर को नॉलेज में आ नहीं पाता है क्योंकि बहुत सारे कॉम्प्लेक्सिटी के चलते प्रोग्रामर उस चीज़ को ग्रास्प नहीं कर पा रहे थे। तो उन एप्पल वालों ने अपने हिसाब से इंट्रोड्यूस किया है, दैट इज स्विफ्ट। नेक्स्ट है डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के लिए आपको हार्डवेयर के तो आपको चाहिए मैकबुक और उसका टेस्टिंग डिवाइस के लिए आईफोन वगैरह, लेकिन एक सॉफ्टवेयर कंपोनेंट जरूरत पड़ता है, दैट इज कॉल्ड एक्सकोड। एक्सकोड
आपका डेवलपर प्रोफाइल के साथ आता है, प्रोग्राम प्रोफाइल के साथ आया है। एक्सकोड इज ऑफिशियल इंटीग्रेटेड, ये एक आईडी है फॉर आईओएस डेवलपमेंट प्रोवाइडेड बाय एप्पल। इट इंक्लूड्स द कोड एडिटर, जैसे एक्सकोड का खुद का कोड एडिटर इंटरफेस बिल्डर है, जिसको हम लोग आई वी बोलते हैं, और इनिशियली जिसको हम लोग एक्स आई बी, जिसका जो उसका XML बेस्ड इंटरफेस बिल्डर होता था, उसको यूज करते करके उसका इंटरफेस हम लोग डिजाइन करते थे। फॉर डिजाइनिंग यूजर इंटरफेस सिमुलेटर फॉर टेस्टिंग ऐप सिमुलेटर, एक्सकोड ऑल्सो प्रोवाइड द सिमुलेटर्स। मीन्स आप अगर कोई एप्लीकेशन डेवलप कर चुके हैं, उसको अगर आपके पास रियल टाइम डिवाइस है नहीं, तो उसको आप चेक करने के लिए एक सिमुलेशन एनवायरमेंट प्रोवाइड करते हैं, दैट इज कॉल्ड सिमुलेटर। डिबगिंग टूल्स होता है, जैसे आपका रन टाइम टूल्स होता है, एंड परफॉर्मेंस एनालाइजर्स। एक्सकोड ऑल्सो इंक्लूड इंस्ट्रूमेंट्स, जैसे ये इंस्ट्रूमेंट्स है, इंस्ट्रूमेंट्स फॉर प्रोफाइलिंग ऐप परफॉर्मेंस एंड मेमोरी यूजेस। इंस्ट्रूमेंट्स में बहुत सारा आपका, जैसे मेमोरी यूटिलाइजेशन हो गया, प्रोफाइलिंग हो गया, आपका रिसोर्स कंजम्पशन हो गया, आपके इंस्ट्रूमेंट के जो इंस्ट्रूमेंट के थ्रू आप उसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। iOS SDK सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट, जो SDK है, प्रोवाइड्स द टूल्स लाइब्रेरीज एंड डॉक्यूमेंटेशन नेसेसरी टू डेवलप एप्स फॉर iOS। इट इंक्लूड्स फ्रेमवर्क्स। iOS का जो SDK है, उसके अंदर आपको बहुत सारे लाइब्रेरी आता है, बहुत सारे आपका आपका इनबिल्ट लाइब्रेरी आता है, डाटा मॉडल्स आता है, कोर एनिमेशन आता है, ग्राफिक्स आता है, और इंटरफेस आता है, और डाटा स्टोरेज के लिए कोर डाटा है, लाइब्रेरी से ये लाइब्रेरी यूज होता है। और ये एक आपका स्ट्रांग लाइब्रेरी जो UI किट, इसके अंदर आप ये बहुत सारा आपका मेजर जो हम लोग पार्ट यूज करते हैं UI किट का ही लाइब्रेरी से हम लोग यूटिलाइज करते हैं। इंटरफेस है, कोर डाटा फॉर डाटा स्टोरेज और डाटा मैनेजमेंट, कोर एनिमेशन फॉर बेसिक एनिमेशंस एंड SDK एंड ग्राफिक्स रेंडरिंग एंड मोर। द SDK अलाउज डेवलपर्स टू एक्सेस ऑल नेटिव iOS APIs। डेवलपर्स टू एक्सेस ऑल नेटिव iOS APIs। नेटिव iOS APIs मीन्स दैट इज आप जो एप्पल का खुद का जो डिवाइस में सॉरी प्लेटफॉर्म यूज करके उसका SDK यूज करके उसका लैंग्वेज यूज करके आप एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हो कोई विदाउट एनी थर्ड पार्टी इंटरप्शन। इट अलाउज iOS APIs गिविंग देम द एबिलिटी टू फुली यूटिलाइज द डिवाइसेस कैपेबिलिटीज। यूजर इंटरफेस डिजाइन, जो हम जिसको हम लोग बोलते हैं UI इंटरफेस, और जो ह्यूमन आई को हम लोग जो विजिबल जो एप्लीकेशन जो इंटरफेस हम लोग देखते हैं वो नॉर्मली UI होता है। iOS ऐप टिपिकली डिजाइंड फॉर डिजाइन यूजिंग UI किट, ए फ्रेमवर्क दैट प्रोवाइड्स ए वाइड रेंज ऑफ UI components like buttons, labels, tables, navigations, controls, ये जितना भी आपको देख रहे हो ना, buttons है, labels है, tables है, navigation है, controls है, और Swift UI इन्होंने अभी introduce किया है कुछ साल पहले for interface building। iOS apps are designed to follow Apple's Human Interface Guidelines, HIG। Apple का खुद का एक इंटरफेस गाइडलाइन होता है जो आपको गाइड करता है थ्रू आउट द ऐप डेवलपमेंट में कि आपका कलर कम्बिनेशन क्या होना चाहिए, आपका कंटेंट क्या क्या होना चाहिए, आपके एप्लीकेशन में कौन कौन सा इंफॉर्मेशन है जो आपको नहीं देना चाहिए। मीन्स आप रेस्ट्रिक्टेड कंटेंट्स जो होता है, रेस्ट्रिक्टेड इन्फॉर्मेशन जो आपको नहीं देना चाहिए, और कौन कौन सा डाटा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स को आपको फॉलो करना पड़ता है, डाटा स्टोरेज प्रोटोकॉल को आपको फॉलो करना पड़ता है,
और यूआई गाइडलाइंस को फॉलो करता है, यूएक्स का गाइडलाइंस को फॉलो करता है। यूएक्स मींस यूजर एक्सपीरियंस, मींस एक होता है यूआई जहाँ पर आपको एक स्क्रीन में दो तीन बटन्स दे दिए, वो हो गया यूआई। लेकिन यूएक्स का होता है कि यूजर यूजर आपके एप्लीकेशन की यूज़ करके कैसा फील करे, उसका एक्सपीरियंस क्या, उसको ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो रहा है एप्लीकेशन के यूज हो रहा है या इजी टू यूज है यूजर के लिए, वो यूएक्स पार्ट में आ जाता है। टेस्टिंग एंड डिप्लॉयमेंट, सिमुलेटर्स एंड रियल टाइम डिवाइसेस हम लोग यूज करते हैं नॉर्मली। नॉर्मली सिमुलेटर कुछ बहुत सारे एप्लीकेशन, बहुत सारे ऐप्स जो होता है ना तो सिमुलेटर में यूज होता है, लेकिन बहुत सारे एप्लीकेशंस, बहुत सारे फीचर्स होता है जो सिमुलेटर में हम लोग नहीं शो करते हैं, नहीं होता हो पता है। और वो चीज़ जैसे फॉर एग्जांपल कैमरा फीचर हो गया, आपको सिमुलेटर में पॉसिबल नहीं है। डाटा कार्ड रीडिंग हो गया, और आपका हो गया थंब हो गया, पुश नोटिफिकेशन हो गया, बहुत सारे जो रियल टाइम इंफॉर्मेशन होता है। और ऊपर से हो गया आपका अगर नेटवर्क से रिलेटेड कुछ दे, 3G 4G डाटा कम्युनिकेशन, वाईफाई नेटवर्क से आपका कुछ डाटा ड्रिवन एप्लीकेशन हो गया, जैसे कुछ डाउनलोडिंग हो गया या फिर जेसन पार्सिंग, डाटा कम्युनिकेशन एट लो नेटवर्क, लो बैंडविड्थ नेटवर्क में आपको चेक करना है, वो सब आपको रियल टाइम डिवाइस में ही चेक करना पड़ेगा। सिमुलेटर्स में आपका वो सिमुलेटर जो है ना उस पर आप सिर्फ कम्युनिकेशन नेटवर्क सही चल रहा है कि नहीं, डाटा कम्युनिकेशन, डाटा पास हो रहा है नहीं हो रहा, डाटा प्रोसेस सही हो रहा है कि नहीं, वो सब चेक करता हो। लेकिन आपका जो फिजिबिलिटी चेक करना है आपको रियल टाइम डिवाइस पे ही आपको फिजिबिलिटी चेक करना पड़ता है, लो नेटवर्क कवरेज एरिया में या फिर हाई डेंस एरिया में। अनदर वन इज टेस्ट फ्लाइट। टेस्ट फ्लाइट एप्पल का एक खुद का एक टेस्टिंग एनवायरनमेंट है जहाँ पर आप एक यूजर को प्रोवाइड करते हो, कोई आपका कलीग हो उनको, डेवलपर को प्रोवाइड कर देते हो या फिर उनको इनवाइट करते हो कि द ऐप इज ऑलरेडी इन सॉरी फाइनल स्टेज, तो आप उसको टेस्ट कर सकते हो। आप उनको एक इनविटेशन भेज सकते हो उनके या क्रेडेंशियल पे, तो फिर वो आप वहाँ से फिर जो फीडबैक है उनसा, हाउ मीन्स यूआई कैसा है, यूएक्स कैसा है, डाटा स्टोरेज कैसा है, डाटा का एक्यूरेसी कैसा है, आप वहाँ पर सब कुछ इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हो। फिर आप उनके फीडबैक के हिसाब से आप रेक्टिफाई कर सकते हो या रिमॉडलिंग कर सकते हो। ऐप स्टोर डिस्ट्रीब्यूशन में एक ऐसा फेज है जहाँ पर आपका एप्लीकेशन ऑलरेडी बन मीन्स ऑलरेडी बन गया है, लेकिन आपको उसको पब्लिक को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आपको एक पब्लिक प्लेटफॉर्म चाहिए जो एप्लीकेशन सॉरी एप्पल देता है। आप डिस्ट्रीब्यूशन वंस एन iOS ऐप इज डेवलप्ड एंड टेस्टेड इट कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू एप्पल्स ऐप स्टोर। द ऐप स्टोर हैज स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस फॉर ऐप सबमिशन। इनका बहुत एक स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस होता है कि ये इंफॉर्मेशन होना चाहिए, ये प्रोटोकॉल होना चाहिए, सिक्योर SSL सर्टिफिकेशन के थ्रू होना चाहिए, बहुत सारे इनका जो रूल्स रेगुलेशन बहुत स्ट्रांग होता है। और अभी तो बहुत स्ट्रीमलाइन हो गया, लेकिन इनिशियल फेज में प्रायर टू 2011-12 यहाँ पर एप्लीकेशन सबमिट डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए कभी कभी एक महीना लग जाता था, मीन्स 7-30 days। अभी तो विद इन टू टू थ्री डेज आप हो जाता है, कुछ केस में तो सेम डे भी हो जाता है एप्लीकेशन सबमिशन। लेकिन अब 10-12 साल पहले ये बहुत क्रिटिकल था, मैनुअली ये सब क्रॉस चेक करते थे कि एप्लीकेशन में कुछ इशू तो नहीं है। तो पूरा थोरली चेक करने के, सिक्योरिटी चेक करने के बाद आप फिर
ये जो सिक्योरिटी चेक है ना, ये सिक्योरिटी स्टैंडर्ड इनका बहुत बहुत स्ट्रांग होता है। एप्पल्स एप्पल रिव्यूज ईच ऐप बिफोर इट इज मेड अवेलेबल टू द पब्लिक। इनका सिक्योरिटी चेक बहुत स्ट्रांग है। हर एक एप्लीकेशन का उनका कुछ क्राइटेरिया होता है कि एड का पोजीशन, एडवर्टाइजमेंट जो आप देते हो उसका पोजीशन हो चेक करते हैं। गलती मीन्स एक्सीडेंटली जो टैपिंग एडवर्टाइजमेंट क्लिक का एक्सीडेंट का जो पोजीशन होता है वो सही है नहीं है, यूजर इंटरफेस है, कलर कॉम्बिनेशन, बहुत सारा ये लोग क्रॉस चेक करते हैं। सिक्योरिटी हाई प्रायोरिटी ये लोग सिक्योरिटी पे देते हैं, डाटा कम्युनिकेशन पे देते हैं। कहीं पर आप डाटा इंटरनली थेप्ट तो मतलब डाटा इंटरनली स्टोर तो नहीं कर रहे हो, अगर स्टोर करो तो आप उनको इन्फॉर्म करना पड़ेगा हाँ डाटा स्टोर करें, ये स्टोर ये इन्फॉर्मेशन आप डाटा स्टोर कर रहे हो, आप उनको इन्फॉर्म करना पड़ेगा, मीन्स कंसेंट लेना पड़ेगा पब्लिक से भी और ऐप स्टोर से, तब जाके ये तो आगे प्रोसेस कर, अदरवाइज एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है। ओके ऐप स्टोर वो तो चला गया डिस्ट्रीब्यूशन पे, अब आते हैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस क्या होता है और डिसएडवांटेज, नेटिव एप्लीकेशन का एक बेनिफिट होता है कि आपको एक हाई सिक्योर, हाईली सिक्योर और हाईली कस्टमाइजेबल और हाईली यूजर एक्सपीरियंस फीचर रिच एप्लीकेशन आपको मिलता है। हाई परफॉर्मेंस इसलिए होता है कि सब कुछ आपका सेम प्लेटफॉर्म में आपको मिल जाएगा, कोई थर्ड पार्टी लाइब्रेरी नहीं, कोई इंटर डिपेंडेंट लाइब्रेरी किसी के ऊपर नहीं, फुल एक्सेस ऑफ iOS फीचर्स। iOS का एप्लीकेशन का जो भी आपका लाइब्रेरी वो डेवलप करते हैं वो उसी प्लेटफॉर्म में इंस्टेंटली अवेलेबल हो जाता है आपको, चाहे GPS हो, फेस ID हो, कुछ भी हो, जो नया फीचर होना वो लॉन्च करेंगे वो आपको अपने सुपर यूजर एक्सपीरियंस। मैंने बोला था यूजर एक्सपीरियंस क्योंकि उनका खुद का प्लेटफॉर्म है, सब कुछ है, तो उसी प्लेटफॉर्म पे ही आपको अवेलेबल होता है। अगर मैं एग्जांपल अगर मैं रियल टाइम एनवायरमेंट का एग्जांपल दो, अगर कोई व्हीकल आपके लोकेलिटी में या फिर स्टेट लेवल पे मैन्युफैक्चर होता है और सर्विसिंग भी ईजिली अवेलेबल हो जाएगा, स्पेयर पार्ट्स भी आपका ईजिली अवेलेबल हो जाएगा। लेकिन अगर कोई आपका व्हीकल आपका स्टेट से बाहर आ रहा है, आपका कंट्री से बाहर आ इंपोर्ट आ रहा है, तो उस केस में व्हीकल को बाइक को या फिर कार को मेंटेन करना तो टफ हो जाता है, क्योंकि एक तो स्पेयर पार्ट्स ईजिली अवेलेबल नहीं होता और ऊपर से सर्विस सेंटर भी आसपास भी नहीं होता, बहुत मिनिमम रहता है, तो वो थोड़ा सा मतलब डिपेंडेंसी बहुत बढ़ जाता है। तो इस केस में क्या है ना, आपका सर्विस सेंटर भी इजीली अवेलेबल हो जाए, स्पेयर पार्ट्स भी इजीली अवेलेबल हो जाए, क्योंकि लोकली आपका बाइक और कार का मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है। तो सेम आपका नेटिव एप्लीकेशन में उसका प्लेटफॉर्म सेम है, एप्पल मैकबुक है, उसका SDK भी है, एक्सकोड मैंने बोला, उसका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उसी का है, ऑब्जेक्टिव सी स्विफ्ट, और क्या चाहिए, इवन उसका जो टेस्टिंग है वो भी वही है, उसका सिमुलेटर भी iOS सिमुलेटर है, उसका डिवाइस है एप्पल डिवाइस, आईफोन और आपका आईपैड और या फिर मैकबुक, तो सब उसी का प्लेटफॉर्म होता है, सब कुछ आपको इजीली सिक्योर वे में मिल जाता है। DAG सिक्योरिटी इसका तो एक हाई प्रायोरिटी देता है हर उसका एप्लीकेशन। iOS ऑफर्स रोबस्ट सिक्योरिटी फीचर्स एंड नेटिव एप्स कैन टेक फुल एडवांटेज ऑफ दैट, क्योंकि नेटिव एप्स में इन्होंने इतना ज़्यादा सिक्योरिटी इंटीग्रेट कर रखे हैं आप बिलीव नहीं करोगे, इंक्लूडिंग इनक्रिप्शन, डाटा स्टोरेज, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन जिससे हम लोग टच ID बोलते हैं या फिर फेस ID बोलते हैं, ठीक है, ये आपका पूरा फुली सिक्योर करता है आपका एप्लीकेशन को, डिपेंड करता है आप उसको आप यूटिलाइज कर रहे हो नहीं कर रहे हो, वो एप्लीकेशन का रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन ये अपने एंड से प्रोवाइड करते हैं। ऐप स्टोर इंटीग्रेशन, नेटिव एप्स आर बेटर अलाइंड विथ द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द ऐप स्टोर, ऑफन
leading to a smoother approval process and better app discoverability. App store integration means आप नेटिव एप्लीकेशन आप डेवलप कर रहे हो ना, बिल्ड कर रहे हो, तो आप उसको जब आप पुश करोगे फॉर पब्लिक यूटिलाइज, पब्लिक यूज के लिए यूज करोगे, तो वो ईजिली आपको अप्रूव हो जाएगा, क्योंकि एप्लीकेशन आपका डेवलप हुआ है नेटिव प्लेटफॉर्म में. और ईजिली डिस्कवरेबल, डिस्कवरेबल मीन्स आपका उनके जो आफ्टर में जो एप्लीकेशन का जो विजिबिलिटी है ना, वो इजीली होता है. ओके, अब ये तो है एडवांटेजेस. डिसएडवांटेज इसका भी है, इसका डेवलपमेंट कॉस्ट बहुत हाई है, क्योंकि उसका आपका हार्डवेयर भी उसी का है, सॉफ्टवेयर भी उसी का है, डेवलपमेंट कॉस्ट भी उसी का है. नेटिव हैज रिक्वायर्स द स्पेशलिस्ट स्किल ऑफ स्विफ्ट ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सी, ये आपको अलग से सीखना पड़ेगा. इनिशियली ये चीज़ कोई नहीं, मीन्स बहुत कम सीखते हैं. नॉलेज ऑफ एक्सकोड, ये भी एक हाईली स्किल. एक्सकोड को सीखने के लिए आपको मैकबुक होना चाहिए, और मैकबुक कॉस्टली आता है. ओके, डेवलपमेंट कॉस्ट स्पेशली व्हेन कंपेयर टू द क्रॉस प्लेटफॉर्म. क्रॉस प्लेटफॉर्म क्या सोल्व क्या इसकी है कि आप ऑलरेडी एक लैंग्वेज सीख के आए हो. हो गया डेवलपमेंट का. मेंटेनेंस इफ द ऐप ऑल्सो नीड्स टू बी अवेलेबल ऑन एंड्रॉयड. अगर एंड्रॉयड को अगर आपको फिर से सेम एप्लीकेशन सेम फीचर के साथ आपको डेप्लॉय करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए आपको सेपरेट डेवलपमेंट आपको करवाना पड़ेगा फॉर एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म. मीन्स सेम ऐप सेम फीचर सेम क्राइटेरिया, लेकिन आपको प्लेटफॉर्म दो पड़े, दो, एक तो हो गया iOS और हो गया दूसरा हो गया एंड्रॉयड, दूसरा हो गया एंड्रॉयड. iOS का कॉस्ट तो लगेगा अलग से, आपको एंड्रॉयड का भी अलग से, उसके लिए डेवलपर हायर करो, उसके लिए सॉफ्टवेयर उसका सॉफ्टवेयर तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, और आपको हार्डवेयर भी आपको वो भी कॉस्ट बियरेबल होगा. ओके, लिमिटेड प्लेटफॉर्म, नेटिव iOS डेवलपमेंट के लिए लिमिटेड प्लेटफॉर्म होता है, क्योंकि इसका मैंने बोला था ना, इसका जो एप्पल का जो प्लेटफॉर्म है, एक तो हुआ है एप्पल डिवाइस डिपेंडेंसी है. iOS अदर देन एप्पल डिवाइस और कहीं नहीं चलेगा. ओके, दूसरा है जैसे एंड्रॉयड का प्लाट और विंडोज का जो एरिया है ना, ऑडियंस है ना, बहुत ब्रॉड है इन कंपेयर टू द iOS. इसका लिमिटेड प्लेटफॉर्म ही है. यूज केस आपको कई सारा आएगा, ये तो कुछ केसेस है, इसके अलावा बहुत सारे यूज केसेस है आपको. परफॉर्मेंस क्रिटिकल ऐप्स हो गया, लिवरेज एडवांस iOS फीचर्स है, प्रीमियम यूजर एक्सपीरियंस होगी. ओब्वियसली आप इतना कॉस्टली फ़ोन हैंडल करोगे, तो उसका उसके लिए जो आपको एक्सपीरियंस यूजर एक्सपीरियंस ऐप्स देना पड़ेगा, उसको उसी क्वालिटी का वो मेंटेन रखना पड़ता है. और ऐप्स लिवरेजिंग एडवांस्ड iOS फीचर्स लाइक कोर ML मशीन लर्निंग है, और मेटल फॉर ग्राफिक्स, फॉर गेमिंग ऐप डेवलपमेंट, एंड फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नॉर्मली यूज मशीन लर्निंग. ऑल्सो ऑगमेंटेड रियलिटी किट, इट्स ऑल्सो एडवांस फीचर. सो दीज आर द सम बेसिक इंट्रोडक्शन फ्रॉम स्क्रैच टू डेवलपमेंट एंड फ्रॉम फ्यू यूज केसेस एंड एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस. इसके बारे में हम लोग और भी डिटेल में जानेंगे स्टेप बाई स्टेप विथ सिलेबस के फ्रॉम इंट्रोडक्शन टू पुश नोटिफिकेशन एवरीथिंग. ओके, थैंक यू.